हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी आज आपको अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्न 3.1 के सवाल नंबर 5 से सॉल्व कराऊंगा। देखो बच्चों, हमारे पास ये एक सारणी बनी हुई है, इसमें खिलाड़ियों का नाम है ए बी सी, खेल एक, खेल दो, खेल तीन, खेल चार। अब कितने कितने मैच खेले वो मैं इसमें लिखा हुआ है। इन सभी प्रश्न के उत्तर अपन को सारणी को पढ़ के देना है। देखो बच्चों, खिलाड़ी ए ने खेल एक में 14 मैच खेले और ध्यान देना ये अंक है, खेल एक में 14 अंक मिले, खेल दो में खिलाड़ी एक को 16 अंक मिले, खेल तीन में खिलाड़ी एक को 10 अंक मिले और खेल चार में खिलाड़ी एक को 10 अंक मिले। ये अंक है सभी, खिलाड़ी एक के अंक 14, 16, 10, 10, खिलाड़ी बी के अंक 0, 8, 6, 4 और खिलाड़ी सी के अंक, खेल एक में 8, खेल दो में 11, खेल तीन उसने खेला ही नहीं और खेल चार में 13 अंक। इस प्रकार आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें लिखा प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक, यानी हमें इसी खिलाड़ी एक का औसत अंकों की गणना करनी है। औसत का मतलब हमने आपको सिखाया था कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या अथवा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखो खिलाड़ी ए, इस खिलाड़ी एक का अपन को ज्ञात करना है औसत अंक, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो इन सभी को जोड़ देंगे राशियों का योग। यहाँ पे देखो 14 अंक 16 अंक 10 अंक 10 अंक, तो इस खिलाड़ी के कुल अंक कितने हो गए? पहले मैच में कितने हैं 14, खेल दो में कितने हैं 16, खेल तीन में 10, खेल चार में 10। अब ये कुल कितने खेलोगे? 1, 2, 3, 4, तो ये तो कुल अंक हो गए। ये अंक कितने खेलोगे? चार खेलोगे। अब हम औसत अंक क्या करना है, तो हम 4 का भाग देंगे, तो 4 खेलों में उसके अंक है 14, 16, 10, 10, इनको जोड़ देंगे बच्चों। 14 और 16 में जोड़ेंगे तो हम जाएगा 30, 30, 10, 40, 40, 50। अब 50 हम 4 का भाग देंगे, तो 50 4 का भाग देंगे, देखना 5 4 का भाग देंगे 1, बच जाएगा 1, बच जाएगा उतारेंगे 0, 10, 4, 2, 8, बच गया 2, 4, 5, 20। देखो यहाँ पे इसके औसत अंक है 12.5, ठीक है। दूसरे सवाल, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए कुल अंकों को 3 से भाग देंगे। देखो पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर, पहले हमने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये लिखा है इसमें कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए कुल अंकों को कितने से भाग देंगे, तो कितने से भाग देंगे? देखो सी ने पहला मैच खेला, दूसरा खेल भी खेला और चौथा खेल भी खेला और तीसरा खेल उसने नहीं खेला, ये उसने तीसरा खेल नहीं खेला, तो 1, 2, 3 कितने खेलोगे? 1 खेल 2 खेल 3 खेल, 8, 11, 13 को जोड़ेंगे, तो बताओ 3 का भाग देंगे या 4 का भाग देंगे? हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि उसने फिर 3 खेल खेले, तो 3 खेलोगे उसको अंक मिलेंगे, इसलिए कुल जोड़ के आपको 3 का भाग देना है। तीसरा देखो हमारे पास लिखा है इसमें बी के अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो बी ने ये 4 मैच खेले, इन चारों खेलों के जो अंक है इनको जोड़ के 4 का भाग देंगे। तो देखो 0 + 8 + 6 + 4 इनको जोड़ के हम 4 का भाग देंगे, तो देखो 6, 4, 10, 10, 18 हम 4 का भाग देंगे, तो 18 हम 4 का भाग देना, 4 × 16 बच जाएंगे 2, 0 उतारेंगे तो 20, 4 × 20 ये आ गया, राइट। तो तीसरा भी आ गया। अब देखो चौथा सवाल क्या है इसमें, इसमें ये लिखा है चौथे में कि बी ने सभी ए, चौथा हमारे पास किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो हमारे पास देखो ए का प्राप्त हो गया, हमारे पास यहाँ पे इसका बी का प्राप्त हो गया, सी का प्राप्त नहीं, पहले आप सी का ज्ञात करो। तो चौथे का सवाल का उत्तर प्राप्त करने के लिए पहले लिखेंगे सी के
अंकों का माध्य, सी के अंकों का माध्य। पहले सी के अंकों का माध्य हम ज्ञात करेंगे बच्चों, तो सी कितना है, 8 प्लस 11 प्लस 13, इसमें किसका भाग देंगे, 3 का। तो देखो 8 और 11 होते हैं 19, 19 और 13 जोड़ेंगे, 8 और 11 19 और 13 जोड़ेंगे कितना बनता है 32, हम 32 में 3 का भाग देंगे। अब 3 का भाग देने से 3 में 3 का भाग है एक बार, 2 में जाएगा नहीं तो भाग टूटेंगे शून्य, फिर जुड़ता लेंगे 3 6 18, तो 10.6 आ गया। तो देखो बच्चों, यहां ए का औसत अंक हमने ज्ञात कर लिया और यहां बी का हमने ज्ञात कर लिया, यहां हमने सी का भी औसत अंक ज्ञात कर लिया। अब हमारा सवाल ये पूछा है कि विद्यार्थी इसमें लिखा है बी ने सभी किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो देखो यहां पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, इसका 12.5 अंक, इसका 4.5 अंक, इसका 10.6 अंक, तो बताइए इन तीनों में से किसका सबसे अच्छा रहा, इन तीनों में 12.5 किसका अच्छा रहा, ए का। तो लिखेंगे इसलिए ए खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा रहा। यह आपको पहला सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया, हमने ए का औसत अंक ज्ञात कर लिया, फिर हमें सी का औसत अंक ज्ञात करेंगे कितने का भाग देंगे, क्योंकि इसने 3 ही खेल खेले, 3 का भाग देंगे हम, फिर बी के अंकों का माध्य ज्ञात कर लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा, इसके लिए पहले हम सी के अंकों का माध्य ज्ञात करेंगे, तो इन तीनों को जोड़ के मैं 3 का भाग दे रहे, सी का माध्य आ गया। अब हमको मालूम पड़ गया ए का औसत अंक, बी का औसत अंक और सी का औसत अंक, तो ये सबसे अच्छा औसत अंक किसका रहा, खिलाड़ी ए का। तो उत्तर प्राप्त हो गया ए खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 6 सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6, विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्न प्रकार है, 85 76 90, 85 39 48 56 95 81 75। कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रकार से अंक प्राप्त किए, कितने में से, 100 में से। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी के 85 नंबर आए 100 में से, दूसरे के 76, तीसरे के 90, इसी प्रकार चलते चलते ये 10वें विद्यार्थी के कितने हैं, 75 अंक आए। पहला प्रश्न था हमारा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक व सबसे कम अंक, सबसे अधिक अंक व सबसे कम अंक, अरे सबसे अधिक इसमें कौन सा, देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में 95 है, तो लिखेंगे सबसे अधिक अंक व सबसे कम अंक क्रमश है 95 95 तथा अब सबसे कम देखो कितना है, 76 76 से कम कितना, 39, अब 39 से कम कोई नहीं है तो 95 तथा 39, ये इसका आंसर आ गया। सबसे अधिक अंक 95 मिले विद्यार्थी को इरा, आठवें नंबर के विद्यार्थी को, और सबसे कम अंक 39 मिला पांचवें नंबर के विद्यार्थी को। तो सबसे अधिक अंक 95 मिले 100 में से और सबसे कम अंक कितने मिल रहे, 39 मिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए, इन अंकों का हमको परिसर ज्ञात करना है, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको सिखा रखा है कि जो सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक आते हैं उनकी बाकी कर लिया करो, तो सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक की बाकी करने पर जो उत्तर आएगा वो परिसर कहलाता है। तो परिसर कैसे क्या करेंगे, हम इस 95 से घटाएंगे 39, 15 में से 9 गया तो 6, पीछे बचेगा 8, 8 से 3 गया तो कितना बचेगा 5, परिसर आएंगे 56 अंक, राइट। तीसरा, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, तो माध्य अंक हमने आपको कैसे सिखाया था कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, अथवा हम लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यह आपको मैं सूत्र दिखा रखा है। अब आप प्रेक्षणों यानी संख्या को जोड़ दो, 85
प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 सभी को जोड़ दिया, ये पूरी कितने संख्या है 10। तो नीचे देखिए प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी 10। अब इनको हम जोड़ेंगे बच्चों, 5 1 6 5 11 और 6 17 8 25 और 9 34 5 39 और 6 39 और 6 कितने होती है 45 और 5 50 50 के शून्य हासिल के 5 5 7 के 12 और 8 20 9 29 5 34 और 4 38 और 3 41 और 8 49 और 58 58 और 7 65 और 8 73। तो इनका कुल जोड़ोगे 730। अब 730 हम किसका भाग देंगे 10 का, तो ये 0 से 0 कट गया। अब 73 में 1 का भाग देंगे 73, तो बताइए इनका समूह द्वारा प्राप्त माध्य कितना है 73 अंक। तो यहां पे ये माध्य कितना प्राप्त हुआ 73 अंक प्राप्त हुआ। इसलिए आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया बच्चों। इसके बाद हम सवाल नंबर 7 सोल्व करेंगे। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं हल करना, जैसा मैंने भी आपको पिछले सवाल बताया। इसमें लिखा है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी 1555 1670 1750 2013 2540 2820 ये 6 वर्षों की स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या है। तो आप इन सबको जोड़ के 6 का भाग दे देना, तो आपका आ जाएगा इसमें विद्यार्थियों की माध्य संख्या आ जाएगी। तो सर आपको आप स्वयं करना है, इनको जोड़ के 6 का भाग देना। 8वां हमारा किसी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो किसी सप्ताह के 7 दिनों में ये वर्षा होने का यहाँ पे दे रखा है कितने मिलीमीटर वर्षा हुई थी 7 दिनों का। सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2 mm का मतलब मिलीमीटर, बुधवार को 2.1 मिलीमीटर, बृहस्पतिवार को 0.0 मिलीमीटर, शुक्रवार को 2.5, शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई थी। हमें इस सारणी के अनुसार वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हम बढ़ाएंगे। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास में, ये 20.5 है राइट, और सबसे छोटी संख्या 0.0, यानी 0.0 वाला कुछ है ही नहीं। तो उत्तर वापस क्या जाएगा, घटा 20.5 mm, ये आंसर आ गया पहले का। तो वर्षा का परिसर कैसे क्या करेंगे, 20.5 में से 0.0 घटा दो, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20.5 और सबसे छोटी कौन सी 0.0। अब हमें सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करनी है, तो माध्य वर्षा कैसे क्या करेंगे, वही बात प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, आप उससे लिखा रखा है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या राइट। अब देखो प्रेक्षणों को जोड़ेंगे हम, तो आप चाहे तो यहां जोड़ दो, देखो 0.0 ऐसा खड़ा जोड़ लो, 0.0 में 12.2 जोड़ेंगे, 12.2 फिर 2.1, 2.1 में जोड़ेंगे 0.0, फिर जोड़ेंगे 20.5, फिर 5.5 ध्यान रहे 0.6 आना चाहिए, फिर 1.0 ऐसे जोड़ के देख लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 2 3 5 8 5 13 3 हासिल के 1 1 2 3 2 5 5 10 11 1 हासिल के 1 1 2 2 4 और चेक कर लीजिए, 2 3 5 8 5 13 3 हासिल के 1 2 3 2 5 5 10 11 1 हासिल के 1 1 2 2 4 तो हो गए 41.3। तो देखो प्रेक्षणों का योग कितना प्राप्त हुआ 41.3
इसमें कितने का भाग देंगे? एक दो तीन चार पांच छह सात, हम सात का भाग देंगे बच्चों। तो देखो कितना आंसर प्राप्त होता है, हम 41.3 में भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे? हम सात का भाग देंगे। सात पंजे 35, 11 से 5 गया 6 बच गया। अभी पॉइंट को यहां लगाएंगे, 3 को यहां उतारेंगे, 63 बन गया। अब 7 का भाग 63 में देंगे तो 7 9 में 63, 9 बार गया भाग, उत्तर आ गया 5.9 mm। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, तो माध्य वर्षा कितनी है? 5.9। अब हमें ये देखना कितने दिन 5.9 mm से कम हुई। तो देखो एक तो ये रही, एक ये रही, ये 5.9 से कम है और ये भी 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है और ये भी 5.9 से कम है और ये भी 5.9 से कम है। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन और पांच दिन, तो लिखेंगे 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, राइट। ये आपको सवाल नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद हम सवाल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, 10वां सवाल, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नलिखित है, 135 सेंटीमीटर, 150 cm, 139, 128, 151, 132 cm, 146 cm, 149, 143 और 141 cm। अब हमें छांटना पहले प्रश्न को होता है। पहला प्रश्न है सबसे लंबी लड़की की लंबाई लिखिए। तो सबसे लंबी लड़की देखो यहाँ पे 135, 150 है, 150 से बड़ी 151, अब 151 से बड़ी कोई नहीं है तो ये आएगा 151 सेमी। ये इसका आंसर आ गया, पहले का आंसर। दूसरा क्या हमारे पास, सबसे छोटी लड़की की लंबाई लिखिए, 135, 128, सबसे कम यहां से लेके कितने, 128, अब 128 है, सबसे छोटे की 128 सेमी। तीसरा प्रश्न है आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा देंगे। तो 151 माइनस 128, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, बाकी करेंगे 151 से 128 घटेंगे। तो 11 से 8 गया तो कितना बचता है? 3, और 4 से 2 गया तो बचता है 2, 23 सेम। तो यहां पे आंकड़ों का परिसर कितना प्राप्त हो गया? 23 सेम। अब ज्ञात करना लड़की की माध्य ऊंचाई, तो माध्य ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? आपको बता रखा मैंने, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब देखो प्रेक्षणों का योग यानी सबको जोड़ेंगे हम, 135 प्लस 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141, इन सबको जोड़ दिया। अब जोड़ के लिखेंगे, देखो प्रेक्षणों का योग तो ही हो गया। अब प्रेक्षणों की संख्या कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बटा लिख देंगे 10, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे अपन, देखो यहां पे 1 3 4 9 13 6 19 2 21 1 22 8 30 9 39 5 44, ये 44 की 4 हाशिए के 4, अब 4 में 4 में 8, 4 3 12 16 4 20 3 23 5 28 2 30 3 33 5 38 और 3 41 की 1, फिर आंसर के 4, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14। अब इसमें किसका भाग देंगे हम? 10 का भाग देंगे। तो देखो कितना प्राप्त हो रहा है, यही सिखा देता हूं। इस 1414 में 10 का भाग देना है, तो मैंने आपको सिखा रखा था कि 10 का भाग देंगे तो ये संख्या छोड़ के पूर्ण लगा देंगे,
तो देखो ये 1414 में एक का भाग देंगे तो 1414 आता है। अब एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, और दो जीरो तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट। भाग देकर देख लेना, आपको बता रखा मैंने 1414 में 10 का भाग देने बराबर है 141.4 cm। ये अज्ञेय इसका माध्य ऊंचाई। अब पांचवा है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी 141.4 से अधिक। तो 141 से अधिक एक तो ये रही, एक ये रही, दो तीन चार पांच, ये 141 से इससे कम है। हमें छांटनी है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। माध्य लंबाई तुम्हारी ये 141.4, इससे ज्यादा किस किस की है, ये ज्यादा ये कम, ये कम ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, ये ज्यादा और ये ज्यादा। तो एक दो तीन चार पांच, तो यहां कितनी लड़कियों की, तो इसकी कितने की जगह लिखेंगे पांच, क्या कर देंगे पांच, पांच लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों मैं आशा कर सकता हूं कि आज की प्रश्न आने के सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करना, और बाकी मैं कल अगले नए वीडियो में 3.2 प्रश्न आपको सोल्व कराऊंगा। धन्यवाद।